गोड्डा जिला के पथरगामा प्रखंड के तुलसी कित्ता गांव में दिन में घूम रहे तीन साधु को ग्रामीणों ने घेरा। तीनों साधु को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया और ग्रामीणों ने इन साधुओं की वेश में आए लोगों को और महिलाओं के ऊपर जादू टोना करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना था कि इन्होंने एक महिला पर जादू टोना किया, जिसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। बताया जा रहा है कि महिला का पूरा शरीर और चेहरा लाल हो गया और महिला रोने लगी। इसके बाद अगल बगल के ग्रामीणों को इसकी भनक लगी कि महिला को जादू टोना साधु ने किया है। ग्रामीणों ने तीनों साधु को पकड़कर बंधक बना दिया और इसकी सूचना पथरगामा थाना पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों साधु को अपनी हिरासत में ले लिया है। क्या घटना हुआ? घटना हुआ कि ये लोग जब आया यहाँ पे आया तो बोला खाना मांगा, खाना मांग के खाना खाया। इसके बाद ये लोग बैठा यहाँ पे, बैठने के बाद बोला हम झाड़ फूक करते हैं ये वो, तो ये लोग अपने मन से क्या क्या निकाल के जड़ी दिया, ये लोग दे दिया उसको। किसको दिया? कोई महिला को दिया। तो देख के बस ये लोग उसी में, उसी समय से महिला को क्या पूरा देह जलन होने लगा, लहरने लगा। यही है मामला। और पैसा भी 50 रुपया बात है बाबू, और कुछ मवेशी तस्करों पर पुलिस की नकेल। आज सुबह गोड्डा जिला के पथरगामा थाना के गांधी ग्राम के समीप पुलिस ने मवेशी लदे एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें 7 गाय की बरामदगी की गई है। बताया जा रहा है कि झारखंड होते हुए इन मवेशियों को बंगाल ले जाकर बेचा जाता है और बड़े पैमाने पर मवेशियों की अवैध रूप से तस्करी की जाती है। आज पथरगामा थाना के सहायक अवर निरीक्षक महेश कुमार सिंह ने इस पर कार्रवाई करते हुए तस्करों की कोशिश को नाकाम किया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए देश के जवानों को महागामा के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले नौजवानों ने श्रद्धांजलि दी। जुबान पर वीर जवानों अमर रहे के नारे और हाथ में मोमबत्ती लिए नौजवान महागामा के बाजार से होते हुए बसवा चौक पहुंचे। एक तरफ जहां देश की युवा पीढ़ी वैलेंटाइन डे मनाने को व्यस्त रही, वहीं आज देश के विभिन्न हिस्सों में युवाओं ने देश के लिए शहीद हुए जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत जय जय जय। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को एक वर्ष बीत जाने पर शहादत दिवस मनाया गया। गोड्डा जिला नेटबॉल संघ के खिलाड़ियों के द्वारा एवं पदाधिकारियों के द्वारा, जिन्होंने गोड्डा गांधी मैदान में नेटबॉल ग्राउंड से कैंडल जलाकर अशोक स्तंभ, जो कि शहीदों की याद दिलाता है, वहां पर पहुंचकर 2 मिनट का मौन धारण किए। उसके बाद कैंडल लगाया गया और श्रद्धांजलि दी गई। वहीं अमर जवान और वीर शहीद अमर रहे के नारों के साथ श्रद्धांजलि दी गई। आज गोड्डा जिले के समाहरणालय सभागार में देश एवं राज्य स्तर पर चलाए जा रहे 7वीं आर्थिक गणना कार्य गति की समीक्षा की गई। गोड्डा जिले में कुल 3,40,000 घरों के लक्ष्य की प्रति 1,43,000 घरों के सर्वपूर्ण किया गया है। सर्वे की गति को तेज करने के लिए राज्य CSC के प्रतिनिधि कमलकांत ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की एवं तकनीकी गलती न हो, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर शशि कुमार शाह एवं पीयूष कश्यप ने प्रज्ञा केंद्र संचालकों को 22 फरवरी तक लक्ष्य की प्राप्ति के निर्देश दिए, ताकि कार्य समय सीमा के अंदर की जा सके। साथ ही साथ झारखंड राज्य खाद आयोग के ऑनलाइन शिकायत एवं प्रज्ञा केंद्र में ऑनलाइन समाधान हेतु कार्यशाला में सभी को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कहीं किताबों में न खो जाए इनका बचपन, कहीं खुद से अनजाने न रह जाए ये नन्हे मन, इसलिए इन्हें देते हैं हम अपना पन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हमें देना है एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव दी फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। Your child is our pride. You took the first step. We make the best step.